Hi guys, Explorer Added here. Welcome back to the channel. Actually, कुछ दिन पहले मैंने एक शॉर्ट डाला था, अगर गाड़ी मतलब 30-40 के स्पीड में चलते चलते नॉर्मल प्लेन रोड पे एक टिक 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 सा आवाज़ करता है तो उसका एक रीज़न हो सकता है टायर में जो नॉर्मल स्टोन चिप है वो अगर अटक जाए तो उसके लिए, तो वो चीज़ रिमूव करने के लिए आपको क्या करना होगा, ये की से आप वो निकाल सकते हो मतलब खींच के, बट उसमें एक डर है कि ये जो चीज़ है ये चीज़ टूट सकता है अगर मतलब ज़्यादा प्रेशर दोगे तो उसका ही मैंने एक सॉल्यूशन निकाला। अमेजोन पे ये चीज़ मिलता है, लगभग मुझको ये 275 के आसपास पड़ा है, मतलब 250 से 300 के आसपास ये चीज़ मिलेगा आपको। ये चीज़ से आप जो टायर का मतलब वो स्टोन चिप है जो चीज़ है वो आप निकल सकते हो। यहाँ पर भी एक है इधर इधर, तो ये चीज़ है तो मैं एक बार दिखा देता हूँ। तो ये चीज़ एक बार मैं निकलने का कोशिश ज़रूर करूँगा अगर कुछ है तो। इधर देखिए है दो तीन चीज़, बट ये ऐसे थोड़ा सा इजी रहेगा ये चीज़ आप करोगे तो। तो ऐसे करना होगा, नॉर्मल की से अगर आप चाहोगे तो आप कर सकते हो, बट इसमें थोड़ा सा इजी होगा, इसका प्राइस भी उतना ज़्यादा नहीं है, तो इससे आप चाहो तो ये कर सकते हो। ऐसे देखो ऐसे हो जाएगा। ये जो नॉर्मल स्टोन चिप है ये मतलब छोटा है तो इसके लिए उतना मतलब नॉइज़ नहीं कर रहा है, अगर ये स्टोन चिप थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा मतलब ये टायर के लेंस से थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो वो नॉइज़ करेगा, एक टिक 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 सा आवाज़ करेगा। तो यही चीज़ है, ये एक छोटा सा चीज़ है बट लेकिन काम का चीज़ है। आप ऐसे ये चीज़ मतलब ये जो स्टोन है ये आप निकल सकते हो, देख लो ऐसे निकल जाएगा एकदम आसानी से। अगर मतलब थोड़ा सा मतलब ये सरफेस अगर हो जाएगा तो थोड़ा सा गाड़ी आगे करके ये जो सरफेस है ये भी आप कर सकते हो। तो ऐसे ही है ये प्रोडक्ट और इसका उतना प्राइस भी नहीं है मैंने बोला, तो ऐसे आप चारों का चारों टायर कर सकते हो। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दैट स्मॉल थिंग्स बट यूजफुल थिंग्स। सो या और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, अगर चाहो तो आप बाई कर सकते हो। So yeah, that's it for now. Thank you, Explorer Rider signing off.